चलिए दोस्तों, आज फिर एक टॉपिक को लेकर अपन बात करते हैं, वही मुहावरे। कहते थे हरी खेती ग्यावन गाय, जब जाने जब मुँह में आए। भाई हरी खेती फसल जब खड़ी है खेत में, हरी है, घर में नहीं आई है, जब तक उसका कोई विश्वास नहीं कर सकते। फसल पक जाए, कट जाए, ओले ना गिरे, कोई बीमारी ना लगे, घर में जाए, तो वह अपनी है। जब तक खेत में खड़ी है हरी फसल तो वो अपनी हरी खेती ग्यावन गाय, माने थाल रही है गाय। जब तक वो जन ना जाए, स्वस्थ बच्चा ना हो जाए, घर में ना आ जाए, दूध ना देने लगे, जब तक इनके भरोसे नहीं कर देती। इसलिए कहते थे हरी खेती ग्यावन गाय, जब जाने जब मुँह में आए। इसी तरह और भी कई मुहावरे हैं। कल बहु तेरो पेट बुरो है कि उमदा है बेटा लचका हिलगो रही थी। तो कह लगे बेटा बड़े कपूत, कह लगे भाई हम ही ना होते तो। हाँ कह लगे ठीक है भैया, वक्त पे फोटो इस का काम है। कह लगे कहते करिया को करिया नहीं तो चितकबरा जरूर होता है। ये बात बिल्कुल सही है और संगत का असर होता भी है। आप संगत कैसी कर रहे हो? मुहावरे जो थे कहीं गलत नहीं थे, वो हर जगह सटीक थे। जैसे आप अच्छे लोगों की संगत में बैठोगे वैसी संगत आएगी आपको। कोई चोरों चक्कों में बैठोगे तो बीच बात देना जाएंगी। पत्तों वालों के संग में बैठोगे पत्ता खेलना सीख जाओगे। रामायण में मंदिर में बैठोगे तो आप में बेगुना जाएंगे। इसीलिए कह देते कि करिया को करिया नहीं तो चितकबरा जरूर होता, मतलब असर होता ही है। कहते थे एक मुहावरा कि अब जब के बूढ़े, अब के जुआन, अब के हुई हैं बड़े निकाम। मतलब जो पहले के लोगों ने मेहनत कर ली है वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा है कि जब के बूढ़े, अब के जवान, और अब की हुई हैं बड़े निकम्मे। अब की जो होना है वो बड़े निकम्मे पैदा होना है। और शायद ये सोच के माँ बाप आजकल कमा कमा के भी उन्हें रख दे रहे हैं। अच्छी बात है, वैसे छोड़ना चाहिए थे उनके लिए मेहनत। और वैसे ही भैया कहते थे जहाँ सूजी वहाँ डोरा। भाई ना सूजी अकेला काम कर सकती, ना डोरा अकेला काम करता। इसलिए दोनों को साथ रहना जरूरी है, जहाँ सूजी वहाँ डोरा। आज के लिए इतना ही, फिर आप मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको मेरी बातें अच्छी लगे, इससे कुछ सीख मिलती हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे।